महापुरुष जो है वो समष्टि के कल्याण के लिए आते हैं, समष्टि के उद्धार के लिए उनका अवतरण होता है। पूज्य महाराज जी जब संकीर्तन भक्ति करते थे तो एक जो दिव्यता का वातावरण, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जो एक ऐसा उच्चार निकलता था कि उससे वातावरण पूरा भक्तिमय हो जाता था। जगत गुरु पद सार्थक होता है जब ऐसे किसी महापुरुष को मिलता है। ये समाज आज नहीं, अनंत काल तक मानव समाज उनका ऋणी रहेगा। भारत की संत परंपरा, ऋषि परंपरा के गौरव, हमारी सत्य सनातन वैदिक आर्ष ज्ञान परंपरा के गौरव, पूज्य कृपालु जी महाराज जी के आध्यात्मिक सानिध्य में, क्योंकि मैं आध्यात्मिक सानिध्य इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु कभी मरते हैं ही नहीं, उनका ज्ञान, उनका जीवन, उनका उपदेश, उनके प्रवचन, उनका आचरण, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, उनकी कीर्ति, उनका यश गौरव सदा अमर रहता है। इसलिए आज भौतिक रूप से चाहे वो ना हो, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति, उनका आध्यात्मिक पावन सानिध्य सदा हमारे बीच में रहता ही है। जिस सपने को लेकर के, जिस संकल्प को लेकर के, जिस आध्यात्मिक चेतना को लेकर के पूज्य महाराज श्री ने हम सबको सदा प्रेरित किया, और वो स्वयं तो जगत गुरुओं में उत्तम थे ही, और यह मात्र काशी विश्व परिषद ही नहीं मानता, काशी विश्व परिषद तो विद्वानों की परिषद का प्रतिनिधित्व करता है। देश के सभी विद्वान, सभी आचार्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के प्रति बहुत गौरव रखते थे, आज भी गौरव रखते हैं। महाराज संत कृपाल देव जी महाराज को, जिनको संत शिरोमणि भी कहते हैं, प्रेम के स्वरूप माने जाते हैं। काशी की विद्वत परिषद ने उनको जगत गुरु का बहुत बड़ा पद दिया था। महापुरुषों को पद की जरूरत होती नहीं, लेकिन पद प्राप्त करने के बाद महापुरुष की महिमा कम, लेकिन उस पद की महिमा बढ़ जाती। इसलिए जगत गुरु होने से महाराज तो आप संकीर्तन में लिप्त, शास्त्रों के कथन में, प्रवचन में, अपने अपने पूर्ण सिद्धांत में आनंद लेने वाले व्यक्ति को कोई जगत गुरु माने न माने, लेकिन वो जगत गुरु पद सार्थक होता है जब ऐसे किसी महापुरुष को मिलता है। आप सब लोग और वो सारे लोग जो उनके पावन संकीर्तन, ज्ञान, प्रवचन, उपदेश और धाम से प्रभावित हैं, उनके साथ जुड़े हैं, उन्हें अपना सद्भाग्य मानना चाहिए। पूज्य कृपालु जी महाराज अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, वे जो कुछ कहते थे, जो भी बोलते थे, वो शास्त्र सम्मत बात हुआ करती थी, शास्त्रों का समर्थन उस बात को होता था। तो एकाध दो पुस्तकें मेरे हाथ में आई थी और उन पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया था, जो पूज्य महाराज जी के प्रवचन के आधार पर बनी हुई हैं। तो वो जो ऑथेंटिसिटी है वो खास बात है, और उसके चलते उनको जगत गुरु की उपाधि काशी की विद्वत परिषद द्वारा और सनातन धर्म के सभी संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा प्रदान की जाए, ये बिल्कुल सुयोग्य है। ऐसे एक महापुरुष जहां शास्त्र ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान की एक परिपक्व अवस्था जिसको हम भक्ति कहते हैं, वो पूज्य महाराज जी में थी, और उसी के चलते देश और विदेश के अनेक भक्तों के हृदय को पूज्य महाराज जी ने छुआ अपने प्रवचनों से और अपनी प्रवृत्तियों से। देश और विदेश में, ब्रज क्षेत्र में तो वृंदावन में, बरसाना में इत्यादि स्थानों में उन्होंने दिव्य देवालयों का निर्माण कराया है, साथ साथ मानव सेवा के क्षेत्र में भी आपका प्रदान है। पूज्य महाराज जी जब संकीर्तन भक्ति करते थे और सारे संतों और
भक्तों के साथ, तो एक जो दिव्यता का वातावरण, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जो एक ऐसा उच्चार निकलता था कि उससे वातावरण पूरा भक्तिमय हो जाता था। आदरणीय श्रद्धेय श्री कपालदास जी महाराज पांचवें जगत गुरु के नाम से घोषित किए गए और सारे वाराणसी के जो काशी के वरिष्ठ विद्वत परिषद ने ये सब एक स्वर से स्वीकार कर लिया कि पांचवें जगत गुरु श्री कपालदास जी महाराज जी ही हैं, जिनका इतिहास में और सर्वत्र इनका नाम रखा जाएगा कि पांचवें मूल गुरु केवल एकमात्र श्री जगत गुरु कपालदास जी महाराज ही हैं। इनका कोई संप्रदाय नहीं है, ये तो एक निष्पक्ष निरपेक्ष निष्काम निष्प्रिय केवल पवित्र प्रेम तत्व का प्रचार प्रकाश करने वाले जगत गुरु सबसे पहले हैं। आज सारा संसार, मानव समाज आज उनके गुणगान कर रहा है और जगह जगह स्थान स्थान में ये प्रेम का प्रचार, प्रेम का विस्तार, प्रेम का प्रवाह ये हो रहा है उनकी साधना का, श्रद्धा का और उनके जीवन की जो मौलिक संसार समाज कल्याण करने की भावना से वो तोड़ करके सारा कार्य किया है, उसका परिणाम प्रत्यक्ष आज ये प्रकट हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि वास्तव में आज जहाँ देखो तहाँ पर श्री कपालदास जी महाराज, कपालदास जी महाराज आज उनसे प्रकाश प्रेरणा सब लिया जा रहा है। तो ये समाज आज नहीं अनंत काल तक मानव समाज उनका ऋणी रहेगा और उनका पुनः अभिवादन करेगा, उनका गुणगान करेगा, उनका चित्र बना बना करके और उनसे प्रार्थना करेगा। प्रभु इसी प्रकार से हम लोगों को कल्याण करने का और हम जीवन में वो अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने की साधना में सफल हों। किसी भी महापुरुष का, महात्मा का, महामनीषी का वर्तमान काल में उतना ज़्यादा महत्व नहीं हो पाता जितना उसके अभाव काल में, वियोग काल में उसका महत्व होता है। आज उनके वियोग काल में आज सारा संसार उसके लिए बड़ा व्यग्र व्याकुल है। आज उनके लिए उनके एक एक शब्दावली को पढ़ पढ़ कर लाभान्वित हो रहे हैं। आज हम लोगों के लिए बड़ा गौरव की बात है, उनका बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलते रहे।